खम्बोर से राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां अब पहले से बेहतर दिखाई दे रही शक्ति की बेटी पैर में चोट के चलते कई दिनों से परेशान थी। और ऐसे में फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद वन विभाग ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी और दाएं अगले पैर में चोट के चलते वो चल नहीं पा रही थी। मादा सब अडल्ट फील्ड डायरेक्टर सेडूराम जादव ने भेजी चिकित्सकों की टीम और इस सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं, जहां पहले से बेहतर दिखाई दे रही मादा सब अडल्ट। चाल में भी काफी सुधार दिखाई दे रहा है और अब मॉनिटरिंग भी रहेगी जारी। सेडूराम यादव ने कहा कि पहले से दिख रहा है सुधार, चिकित्सक लगातार रखे हुए हैं नजर। और देखिए सुबह भी आपको तस्वीर दिखाई दी जिस पर देखा गया था कि चाल में गड़बड़ देखी जा सकती थी, यानी कि वो ढंग से चल नहीं पा रही थी। पर अब एक जो राहत भरी खबर सामने आई है, जहां पर अब देखा जा सकता है कि शक्ति की बेटी अब पहले से बेहतर चल रही है। और ये राहत भरी खबर लगातार तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। सुबह आपको तस्वीर दिखाई गई थी जिसके अंदर देखा जा रहा था कि चलने में शक्ति की बेटी को काफी परेशानी हो रही थी और ऐसे में चिकित्सकों की देखरेख में अब यह है, चिकित्सक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसे में अब देखा जा सकता है कि चाल में पहले से काफी सुधार है, काफी राहत है देखी जा सकती है। और लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं, उस बाघिन की ये तस्वीर है, शक्ति की बेटी ये बाघिन जो कि चोटिल हो गई थी और ऐसे में देखा जा सकता था कि आगे के दाहिने पैर में इसको चोट लगी थी और ये चल नहीं पा रही थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, देखिए सुबह तस्वीर देखी गई थी जहां पर बाघिन की जो चाल थी उसमें काफी परेशानी देखी जा सकती थी, तो वहीं अब जो तस्वीर सामने आ रही है काफी राहत भरी तस्वीरें हैं क्योंकि अब ये चाल पहले से बेहतर है। निश्चित तौर पर देखिए आयुषी, इसको इसीलिए कहते हैं कि रणथंबोर की जो टीम है ना, वो वन विभाग की वो बहुत ही शानदार टीम है और उनका काम भी बहुत अच्छा है। जैसे ही फर्स्ट इंडिया न्यूज ने खबर चलाई सुबह, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई थी और खुद जो फील्ड डायरेक्टर सेडूराम यादव हैं, वहाँ के जो DCF है मोहित गुप्ता, दोनों ने लगातार इस बात के लिए ताकीद किया। जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक है सबको उनकी टीम भेजी और टीम जब वहां गई तो उन्होंने जो लेटेस्ट जो विजुअल सामने आया उसमें देखने को मिला है कि उसका जो दाएं पैर का जो पंजा बुरी तरह घायल था उसमें कुछ राहत दिखाई दे रही है। पहले वो बिल्कुल लंगड़ा करके चल रही थी लेकिन अब उसकी चाल में काफी नॉर्मल दिखाई दे रही है। और देखिए इसमें वाइल्ड लाइफ में होता भी यही आयुषी कि जो खुद जो बाघ या बाघिन जो होता है, अगर उसके मुंह के नीचे कहीं भी चोट लगी है तो खुद वो सेल्फ ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है, उसको चाटता है, कांटा लगाए तो कांटा खुद निकालने का प्रयास करता है। और यही देखने को मिला जो जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि उसके पैर में हल्का सा घाव था, शायद कोई बड़ा कांटा या नुकीला पत्थर उसमें छुप गया था लेकिन लगातार उसने जिस तरह से उसको चाट करके अपना सेल्फ ट्रीटमेंट करने की कोशिश की उसका नतीजा देखने को मिला कि अब उसको काफी राहत दिखाई दे रही है। फिर भी जो सेडूराम यादव फील्ड डायरेक्टर है उन्होंने ताकीद किया कि अगर कोई भी ज्यादा परेशानी दिखे तो उसके हिसाब से निर्णय किया जाएगा, लेकिन फिलहाल स्थिति राहत भरी और कहा जा सकता है कि जो एक साल की करीब मादा सब अडल्ट शक्ति की बेटी, निश्चित तौर पर अभी उसकी स्थिति अच्छी है और अगर अगले 2-3 दिन में उसकी स्थिति अच्छी रहती है तो ना तो उसको ट्रैंकुलाइज करने की जरूरत पड़ेगी और वो अपने प्राकृतिक आवास में स्वच्छंद विचरण करती दिखाई देगी। आयुषी अब बिल्कुल निर्मल जी, और देखिए तस्वीरों में काफी फर्क महसूस किया जा सकता है, सुबह की और अब की तस्वीर बिल्कुल अलग है, क्या लगता है निर्मल जी? क्योंकि देखा जा रहा है कि चिकित्सकों की मॉनिटरिंग में ये रहने वाली है, अगर फिर भी इसको ज्यादा राहत नहीं मिलती है तो फिर क्या लिया जाएगा अगला स्टेप? देखिए आयुषी, अभी तक का जो वन्य जीवों का जो तौर तरीका होता है अपने प्राकृतिक आवास में रहने का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनके मुंह के नीचे अगर चोट है तो उसको वो चाट करके खुद अपनी लार से ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर सर के ऊपर कहीं चोट है तो वो ज्यादा गंभीर होती है, लेकिन चूंकि इसके दाएं पैर में चोट है जिसको आसानी से वो अपना मुंह वहां तक ले जा सकती है तो उसने वही किया, सेल्फ ट्रीटमेंट करने की कोशिश की। और पिछले 3-4 दिन से, क्योंकि चोट करीब 5-6 दिन पुरानी है और पिछले 3-4 दिन से लगातार इसमें हीलिंग हो रही है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो घाव भरा है और अच्छी बात है कि उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो कोशिश यही है अगर उसकी स्थिति ज्यादा ठीक बेहतर रहती है तो उसको कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, और स्थिति अगर उसमें जरा सा भी कुछ और वापस से उसके अगर पैर में कोई समस्या देखने को आती है तो चिकित्सकों की राय पर आगे का निर्णय किया जाएगा, लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर यह है कि जो मादा सब अडल्ट है वो अब स्वस्थ नजर आ रही है। आयुषी जी, निर्मल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।